माझ्या मित्रांनो, यावेळी मी थोडस काही वेगळं करायचं ट्राय करतोय आणि आपला जो यावेळीचा ब्लॉग आहे तो आपण हिंदी मध्ये करूया. तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार हम जा रहे कलसुबाई शिखर पर, जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है. तो फिलहाल हमारी डिस्कशन इस पे चल रहा है कि जो एमिनिटीज है वो हमें क्या क्या लेनी है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं. और इस बार जो श्रीकांत है, श्रीकांत टेमकर अपन का पप्पू, उसकी गाड़ी में हम जाने वाले हैं, उसकी सिनेरियो है. तो आज मैं, सनी, अपन का संदीप भाई, इसका एक दोस्त ओमकार और अपन का पप्पू, वो अपन पांच जन जाने वाले हैं. तो हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी क्या क्या लेना है. तो संदीप सर, आप बताओ कि आप क्या क्या बनाने वाले हो या अपन को क्या क्या लेके जाना है वहाँ. तो भाई, हम जान के लेते हैं कि संदीप भाई क्या क्या लेना चाहते हैं. अगर सबसे कम टाइम में अगर बनाना जाए तो दाल, दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं. और दाल के साथ अगर फ्राई करो तो क्या होता है, थोड़ा टेस्ट भी आता है और मतलब वहाँ जाके ऐसा फील होता है कि थकावट कम. उसके बाद अगर उसके अगर कुछ और आइटम्स ऐड करें, जैसे पापड़ ऐड कर सकते हैं और मतलब जैसे कुछ मसाले वाले आइटम, जैसे अचार जैसे बोलते हैं वो ऐड करते हैं, तो ये आइटम्स मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा. इसके लिए टेंशन नहीं लेना है. और बिंदास वहाँ जाने के बाद की खाने पीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे रहेगी, ठीक है, बाकी इनसे बाकी. तो हम सनीत से पूछते हैं कि सनीत, आप क्या क्या लाने वाले हो. हाँ, प्राउड वगैरह बोल रहा था ना. मैंने तो सोचा है कि अभी जैसे हमारे संजीत सर ने बताया है कि उन्होंने दाल और राइस का प्लान बनाया है खाने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ सब्जी रहती है ना, तो मैंने सोचा कि स्प्राउट्स लेंगे. स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं सोचा कि स्प्राउट्स लूँगा नेक्स्ट और उसको उबाल के सब खाएंगे. उसमें कांदा, टोमेटो, अपना नमक मसाला डाल के बस मिक्स करके बनाया. अच्छा, मतलब सलाद बनाना चाहते हो. सलाद बनाएंगे. ये तो है ना कि हम लोग जैसे तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी अपन 11 बजे निकलने वाले थे, तो अभी सुबह वगैरह हो चुके हैं. तो मैंने इस बार दो कंबल लिए हैं, स्वेटर लिया है एंड बाकी जो अपन की एमिनिटीज है, मतलब बेसिकली अपन के जो ट्रैक होते हैं, शूज होते हैं एंड अपन का एक्स्ट्रा टी शर्ट, वो मैंने रख लिए है. तो चलो अपन निकलते हैं. सनीत और पप्पू भी आ चुके हैं, तो हम उनसे नीचे जाके मिलते हैं और अपन की जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो मित्रों, अपन जाते हैं कल सुबह ट्रैक. तो मेरे दोस्तों, मैं और ओमकार दोनों का ही नाश्ता बाकी है और बाकी सब ब्रेकफास्ट करके आए. तो हम फिलहाल ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं. तो ओमकार को पूछते हैं कि उसका पैकिंग वगैरह कैसे हुआ एंड लेट्स सी. अर्धा तासात पैकिंग केले बाबा. ओके, तो जसं मित्रांनो मी आपण काल डिस्कस केलं की यावेळी आपण थोडस हिंदी मध्ये ट्राय करूया. तर हिंदी आणि मराठी मिक्स असेल, तर समजून घ्या, गरीब आहे आम्ही, तेवढं चालायचं. तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी अपन ने शाहपुर क्रॉस करा है और हम खाना खाने के लिए एक होटल पे रुके. तो सनीत ने हमें खाना लाया है घर से और प्लस हमने होटल में भी ऑर्डर दिए. तो अभी तक तो जर्नी अच्छी हुई है. दो बार सीएनजी भरा, पार्टनर सीएनजी का. अब सभी से पूछ दे कि उनका कंसर्न क्या है, बेसिकली वो कैसा फिलहाल फील कर रहे हैं. तर मित्रांनो, आपण आता बेस विलेजमध्ये पोहोचलोय आणि आता आपण जित्यांनी सांगितलेल्या बाळू काकांकडे टेंट घ्यायला निघालो. तर आपण टेंट घेऊ आणि वर जायला चालू करू. नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरे कुछ अजीज मित्र इस कलसुबाई की ट्रैक के लिए बहुत ही मशक्क़त से और सुबह का नींद और क्या कह सकते हैं कि रात भर हम लोग बहुत मतलब सामान इकट्ठा किए. उसके बाद सुबह हमारे ट्रैक के जो मेन मेंबर है वो हमारे साहिल पाटिल, जो कि एक फिजिक्स फैकल्टी है,
और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊँ, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट साहिल सर, प्लीज़ कम ऑन इन फ्रंट ऑफ अस। तर मित्रांनो, जसं आपण ठरवलं की यावेळीचं ट्रिक आपण हिंदीमध्ये करणार आहे, बेसिकली इथून आपली सुरुवात आहे। तर यावेळीचं ओके, तर मित्रांनो ज्याप्रकारे आपण डिस्कस केलं होती सकाळी की आजचा जो आपला व्लॉग आहे तो एंटायरली हिंदीमध्ये करायचा आहे, तर आपण तो हिंदीमध्ये ट्राय करूया। ओके, म्हणजे बहुत सारे मेरे दोस्त है या बेसिकली जो अपन के फ्रेंड परिवार है उनका ये कंसर्न था कि बाबा उनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो सो दैट्स वाई वी हैव टू डू आर सम पार्ट ऑफ व्लॉग इन हिंदी टू। तो यहाँ हम मिक्सर यूज़ करेंगे जैसे कि अपन ने डिस्कस करा था। तो अपन के जो बाकी के मेंबर थे हम उसे बुलाते हैं सनी चेट या ओमकार पप्पू, आ जाओ। सो थोड़ा लजीज तरीके से बुलाइए तो मज़ा ही आता है। ये हमारे अजीज़ मित्र हैं भाई साहब, इनको ऐसे ना बुलाइए, कीजिए अदब और आदाबी के साथ बुलाइए, तो थोड़ा सुनने वाले को ही मज़ा आएगा। ये क्या नालायकी करते हैं आप है? ये क्या नालायकी करते, ये कौन सा लक्ष्मण रेखा आपने खींचा जिससे आगे हम नहीं जा सकते हैं? क्या कुछ बताएंगे आप? नमस्कार दोस्तों, आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? तुम्हारा कस वाटते साहिल? सनीत सनीत माझं नाव सनीत पाटील आहे आणि इकडे मला ना खूप मस्त वाटतं आणि थंड थंड मस्त वातावरण मस्त वाटतं। मला एक खूप मुझे भी बहुत आनंद हुआ आहे आपके, अभी तो ट्रेक सुरू करना है, बस ये हमारा शुरुआत है। आपको कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये जान के खुशी हुई कि हम लोग अभी बेस विलेज अप्रॉक्सीमेटली 5:30 तक यहाँ रिपोर्ट कर चुके थे। रिपोर्ट होने के बाद हमारे जो मित्र हैं वो ट्रैक के टेंट के लिए गए थे, उन्होंने कुछ मैनेज करके आया है टेंट का, कुछ कैसे रहना है क्या करना है। तो फिलहाल अभी हमारा समय आपको संध्या काल से रात्रि वेला की तरफ अग्रसर होते हुए हम अब चलते हैं अगले पीरियड और अगले पग की तरफ से। तो हम अपने साथ साहिल को हला है, साहिल आपको आगे की बात। तो मेरे दोस्तों अभी कुल 6:08 हो चुके हैं, अभी हम सब तैयारी करके मतलब शूज़ वगैरह पहन के सब सामान डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर चढ़ना चालू कर देंगे। तो तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने इस बार खाने के लिए जो सामग्री जुटाई है और संजीत सर ऊपर जाके खाने की प्रबंध करने वाले हैं, बट यहाँ अभी हमें ये इन्फो मिली है कि एक हिसाब से हम ऊपर चूल्हा नहीं जला सकते, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। बेसिकली हमें जो यहाँ का ऑर्गेनाइज़र है दादा से हमें खाना लेना पड़ेगा, सो वो तो अपन आगे बात ही करेंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम अपन का ट्रेक स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। और हाँ, स्पेशल थैंक्स अब पप्पू को तो देना भूल गए, पप्पू उर्फ श्रीकांत जिनका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, जिनकी कृपा से हम गाड़ी ले पाए हैं ट्रेक के लिए, तो उनको भी हम सहे मन से आभार बोलते हैं और इनको हम अगले इलेक्शन में खड़ा करने वाले हैं। थैंक यू। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, हम हमारी तरफ से 3 वोट ये हम ट्रेक चालू करते हैं। चलो गाइस कट इट। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी अंधेरा भी चालू हो चुका है, आप देख सकते हो पीछे पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो इसमें मैं फर्स्ट मैन बनने वाला हूँ और मेरे पीछे बाकी की गैंग आने वाली है, और उसके बाद मैं भाई साहब सेकंड में हूँ। ओके, ओमकार जो है ओमकार लास्ट मैन बनना चाहता है, ठीक है? तो हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और अपन अभी ट्रिक चालू कर रहे हैं। तो चलो गाइस, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। चलो गाइस, तो चलते अपन गढ़ की तरफ। तो भाइयों, अपन अब सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर अपन बैकपैक कर रहे तो कंसंट्रेशन या बेसिकली जो वेट है एक बैग में ज़्यादा ना हो, इसकी हमें जवाबदारी लेनी पड़ेगी, खबरदारी लेनी पड़ेगी। सो तो वो एक बार चेक कर लो। तो भाइयों, हम पहुंच गए स्टेयरकेज से, यहाँ से हम चढ़ना चालू कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे सारी ये पत्थर से बनी हुई स्टेयरकेज है,
तो चलो हम यहाँ से चलना चालू कर देते हैं, और लगभग हमें कितना टाइम लगता है वो अपन एस्टिमेट कर लेते। तर मित्रांनो, ही पहिली आपल्याला शिडी लागली आहे। आपले ओमकार शेट पुढे जाताना हा आपला पप्पू भाई, आपला संजीत आणि सनीत, हा जो अंधार दात चमकतात तो आहे सनीत। तर मित्रांनो, हम पहिले शिडी पे पोहोच चुके हैं और यहां से अपन ऊपर मार्गस्थ हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो स्टेयरकेज है वो पैर में थोड़ा चुभ रहा है, थोड़ा हमसे आराम से आओ, अच्छे से आओ। बाकी तो ये भरपूर मजबूत है, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, ना सीढ़ियाँ कुछ हिल रही है, सो एकदम मजबूती से खड़ी है इस माउंटेन में। तो दोस्तों, ये आ गए हम सेकेंड स्टेयरकेज तक। यहाँ और एक सीढ़ी थी जो आई थिंक सो फिलहाल आउटडेट हो चुकी है, बेंड हो चुकी है, तो इस सीढ़ी से अपन को ऊपर जाना है। और दोस्तों, फाइनली ये थर्ड स्टेयरकेज जो सबसे लंबी है अपन देख सकते हैं। तो वो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम दाल खिचड़ी बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे शेफ संजीत शेट बना रहे हैं, पप्पू शेट हमारे चादर पकड़ के बैठे हैं, यहाँ पे ओमकार और मैं दोनों एंड से सपोर्टिंग एंड पे हैं। भाई क्या मुझे बीप देना पड़ेगा? अरे घे कोंडे तो बाकी तो शोध। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा खाना पक चुका है और हम 10 ही मिनट में खा जाएंगे खाने से पहले। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही धुआं है, आप देख सकते हो पूरा फॉग है। और यहाँ पे टेम्परेचर कल तो था 13 डिग्री सेल्सियस, अभी हमें देखना पड़ेगा। ओमकार देख जरा टेम्परेचर कितना है फिलहाल। नेट नहीं है आपके पास? अच्छा कोई नहीं, हम देख के आपको बता देंगे कि टेम्परेचर कितना है। और यहाँ आप देख सकते हो बादल भी बहुत सारे हैं, अभी मोबाइल में नहीं दिखेंगे, जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तब मैं आपको बादल दिखाऊंगा। अब ये देख लो हमारा पप्पू शेट कैसे वो बेचारा हताश बैठा है। पप्पू टेम्परेचर दिखते का बग, पप्पू शेट हमारा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। संजीत शेट, तो आपका क्या कहना है, दाल बाटी आप चूरमा बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? ओके, वो थोड़ा सा उठा के एक बार देख लो। अरे पकड़ रहा है। अच्छे से पक रहा है, आप देख सकते हो इसमें बुलबुले आ रहे हैं, तो ये अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हो। तो मेरे दोस्तों का, तो मेरे दोस्तों हम सब दोस्तों हम हमारे दोस्तों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। तो पहले हम सनीत शेट के पास जाते हैं। सनीत कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस? तो इतना ठंड नहीं लग रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। अभी क्या पहना है फिर? अरे स्वेटर था तो शर्ट का शर्ट ऐसे में टी शर्ट पहना था, लॉन्ग स्लीव, तो बहुत गर्मी हो रही थी। मुझे लगी इतना ठंडा नहीं है, साइड में बोला था, पर जैसे ऊपर चढ़ते गए ना और रात होती गई, इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है। अभी स्वेटर पहना है, सबने स्वेटर पहना है, और अभी 14 डिग्री सेल्सियस है अभी यहाँ पर। तो ओमकार आपका क्या कहना है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जेवण बनवण्याच्या तयारीने खूप काही कष्ट घेतलेले आहेत। पहिले आग पकडली जात नाहीये, आम्ही कशी चादर ओढली आहे ती आग पकडण्यासाठी, त्यात राहुल रडत होता, चादर माझी चादर नाही, बाकीचं कोण देत पण नव्हतं। जी राहुल शेटनी स्वतःची चादर
हमें दी है, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टू अस। खूब अथक प्रयास करो, तो हम आज झालं ना, यो राहुल राहुल खत्म। तो अपन जाते हैं संजीत सर के पास। सर आपका क्या एक्सपीरियंस बता सकते हो? मैंने कल एक वीडियो शूट करा था। सुनो मैंने कल एक वीडियो शूट करा था, उसमें सनीत और संजीत दोनों भाई मुझे बोल रहे थे कि हम दाल बाटी बनाएंगे, दाल वर्त बनाएंगे और उसमें तड़का भी मारेंगे, तड़का भी मारेंगे, तड़का भी रहेगा और दाल तड़का भी मिली अंदर भी बाटा। और अभी हम आ चुके हैं नॉर्मल अपन के खिचड़ी पे, तो लेट्स सी कैसा होता है मसाले बात अपन का। संजीत शेट तो आप क्या कह रहे हो? बोलो। बस उम्मीद यही है कि बन जाए और हम लोग खा ले और सो जाए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जैसा कि अपन को पप्पू ने बताया कि टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है और रात में, और ये देखो ये आप देख सकते हो कि 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है। तो कल 13 डिग्री सेल्सियस था, अभी शायद से रात में और गिर सकता है टेम्परेचर। वो हम क्या कर सकते, आओ इतने दाल भात खाओ से। तो मेरे दोस्तों हम देखते हैं कि दाल बाटी अपन का, दाल बाटी का ही दाल खिचड़ी बनाई कि नहीं। ओम का बन रहा है। अच्छा बन रहा है, हमें देख के भूख लग रही है। ये थोड़ा पानी पाए थे क्या? छिजलेगा छिजलेगा नहीं गपस। एक दाना थोड़ा पानी टाइम। तो मेरे दोस्तों हमारा जो खिचड़ी भात है वो पक के तैयार हो चुका है। हमारे संजीत शेट प्याज और ककड़ी हमारे लिए छोटी छोटी कर रहे हैं और बाकी सारे थोड़ा सा हेल्थ एंड हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं, हाथ वगैरह धोना वो कर रहे हैं। तो हम अभी 2 मिनट में खाना चालू कर देंगे। नमक डाल देता हूँ इसमें? हाँ डाल दो। तो बंद कर दे वो। बंद कर दो सर, चेन लगा दो। तू तिची चेन लावलीस ना टायरांची? चलो तो गाइस ये है हमारा कल सुबह ट्रेक का एक्सपीरियंस। बस और हम चालू कर रहे हैं हमारा डिनर। तो पहला निवाला हम ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों हम सबसे रिव्यू पूछते हैं कि हमारा जो डिनर है वो कैसा बना है। तो पहले हम जाएंगे सनीत शेट के पास। सनीत हमें बताओ कि सनीत कैसा है राइस, आपके एक्सपीरियंस शेयर करो। चावल ही इतना हो गया। चलो ओके, बस संजीत सर पहले बोल रहे हो। बोलो संजीत शेट, आप भी बोलो। अरे बोलो। अच्छा सनीत शेट पे थे, सनीत शेट बोलो। एक्चुअली ना पानी टाकून ना भाताची कसा कच्चा झालाय। आम्ही आग पेटवतोय विजवतोय पेटतोय विजतोय एवढी हवा येत तरी आमची जिद्द आहे। तर आम्ही खूप मेहनत परिश्रम करून कसे बनवले चांगली आहे आणि सर्व खातो, सर्वांना आवडले। प्लीज तुम्ही रेसिपी विचारून घ्या, त्यालाच माहिती। आपण ओमकार शेटला विचारूया त्याचा एक्सपिरियन्स। ओमकार शेट कसा झालाय भात आपला? सुंदर झालाय, मला माहिती चांगलाच झालेला, फक्त नमक कमी गिर गया। अच्छा आपण आता जाऊया आपल्या पप्पू शेट कडे। पप्पू शेट कसं झालाय भात? आपण डिनर खातोय का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आहे? नाईस क्वेश्चन। तर सांगा असे आहे ते कसं झालंय? छान, अधिक परिश्रमाच्या नंतरचं जे फळ असतं ते खूप कष्टाचं असतं, म्हणून ते कसं असतं माणूस खातो। अच्छा चांगला। आपण वापिस जाते आपण के संजीत सर के। संजीत सर आप बताओ की कैसे हुआ है? संजीत भाई कैसे हुआ है? वो नमक लो ना, क्या बन दो, वो नमक दे ना, काट दे। वो तो बताओ सर कैसे बनाए? काट दो बहुत मुश्किल से। तो बोल रहे कट। हाँ बताओ। अरे पता नहीं कितना बार बुझा, कितना बार जला।
आहे आपल्याला आणि शेवटची शिडी आपल्या कळकुबाईच्या शिखरावर. शुभ प्रभात मेरे दोस्तों, अभी अपन ऐसे व्यू देख सकते हो कि पूरे बादल, अब आप गाना बोल सकते हो बादल बरसा. सबसे उच्चतम शिखर पर मित्रांनो, ही आहे आपली कळसुबाईची यात्रा. स्थिती आहे कळसुबाईच्या मंदिराजवळ आलोय. तर आपण इथून बघू शकतो छोटस गेट आहे, आपल्याला इथून माताचे दर्शन घ्यायचंय. प्यारे भाइयों, अभी हमने यहाँ से स्वीट लिया है, यहाँ पे कंदी पेड़े मिलते हैं. तो मेरे दोस्तों, दर्शन वगैरह कैसे हुआ आपका? अरे खूब मस्त, खूब बढ़िया, सबसे बहुत अच्छा था. तो अभी हम कळसुबाई के पिक पे हैं, तो हम लोग ने सनराइज भी अच्छे से देख लिया. बादल उतने ऊपर नहीं थे, थोड़े नीचे थे, फिर भी अच्छा व्यू है. आप लोग कभी आओ, शांत हुआ. दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बादल है. हाँ बोलो. तो अभी आपको वापस आना है ना, तो साइड पार्टी से कॉन्टेक्ट नंबर दिखाया जाएगा. ही इज द बेस्ट प्लानर. इधर आ जाओ. हाँ, रात का खाना नहीं बना तो इतना बना था वो कहानी अलग है. उसमें अलग से ब्लॉग करेंगे अपन. और आपका बहुत अच्छा आया टेंट में. मेरे को तो बहुत, और तारे इतने खूबसूरत लगे थे, क्या बताए, बताने में. हाँ, साइड में खराटे आ रहे थे हमारे टेंट तक, ये अच्छा था. हमें पता चल रहा था बाजू में थे, हमारा गाइड ही मार रहा था. मित्रांनो, दर फेमस ट्रेक प्रमाणे इथेही आपल्याला ट्रॅफिक बघावयास मिळेल. आणि सॅटरडे संडे किंवा वीकेंड असेल तर 100% वेल नोन ट्रेक वर किंवा वेल नोन गडांवर आपल्याला ट्रॅफिक दिसणारच. तो चलो दोस्तों, यहाँ अपन रुकते हैं और नेक्स्ट ट्रेक में नए साथियों के साथ मिलते हैं फिर एक बार. तो चलो, हैव अ ग्रेट डे.